सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज के वीडियो में पढ़ने जाएंगे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। ठीक, तो H1 एंटागोनिस्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में बताया था, हिस्टामिन के चार रिसेप्टर्स होते हैं H1, H2, H3 एंड H4। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट ना होने दे ऐसी कौन सी ड्रग है? ठीक है, तो हमने कौन कौन से हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े थे कि भाई वो ब्लड वेसल्स पे काम करता है, ठीक है, सीएनएस पे काम करता है एंड जो है गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन देता है और तो और आपका एलर्जिक रिस्पांस देता है। ठीक है, बाकी भी कई सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, तो उस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको इनहिबिट करने वाले H1 एंटागोनिस्ट की बात करूं, H1 रिसेप्टर्स जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, उनको इनहिबिट करने वाले जो एक्शंस होंगे, उनको इनहिबिट करने वाले जो ड्रग्स होंगी, उनकी हम बात करेंगे H1 एंटागोनिस्ट में। ठीक है, तो H1 एंटागोनिस्ट, फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट की जो फाउंड हुई थी, फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट वॉज फाउंड इन लेट 1930s में इसकी पहली शुरुआत, पहली ड्रग पाई गई थी। ठीक है, काफी सारी H1 एंटागोनिस्ट को हम इनवर्स एगोनिस्ट भी जानते हैं। अब इनवर्स एगोनिस्ट क्या होती है? एगोनिस्ट आपको पता है, जो आपकी ड्रग होती है वो उससे बाइंड करेगी रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो शो करेगी। ठीक है, बट इनवर्स एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है? इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस है? एंटागोनिस्ट जो होती है, मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर है और ये ड्रग आ रही है, ये इस पे बाइंड तो होगी बट इसको एक्टिवेट नहीं करेगी। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा एगोनिस्ट मतलब काम करेगा। एगोनिस्ट क्या है? कोई मान लो एगोनिस्ट हिस्टामिन है, ऐसा एगोनिस्ट है, ठीक है, हिस्टामिन को एगोनिस्ट कहेंगे, हिस्टामिन का एनालॉग को हम एगोनिस्ट कहेंगे, हिस्टामिन से मिलता जुलता यानी सब्स्टिट्यूट उसका एगोनिस्ट कहेंगे। अगर जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो अपना एक्शन शो करेगा, कब शो करेगा? जब इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एक्टिवेट जब करेगा तब वो अपना एक्शन शो करेगा। बट इनवर्स एगोनिस्ट का क्या मतलब है? एगोनिस्ट की मैंने बात करी, हिस्टामिन है, अपना इस पर बाइंड करी रिसेप्टर पे, एक्टिवेट किया और नीचे डिजायर्ड इफेक्ट शो हो रहा है। बट इनवर्स एगोनिस्ट का क्या मतलब है? इनवर्स मतलब उल्टा काम करने वाला, एगोनिस्ट मतलब एक्टिवेट भी करेगा बट इनवर्सली काम करेगा। इनवर्सली मतलब इसके अगेंस्ट काम करेगा, जो इसका डिजायर्ड इफेक्ट है, मान लो आप करने की कोई चीज है तो उसको वो उल्टा कर देगा। ठीक है, तो इनवर्स एगोनिस्ट का ये मतलब हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या है इनवर्स एगोनिस्ट में और एंटागोनिस्ट में? डिफरेंस क्या है कि इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिफरेंस ये है कि इनवर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट सिर्फ इसको क्या करता है? H1 एंटागोनिस्ट को क्या करता है? सिर्फ ब्लॉक करता है ताकि कोई एगोनिस्ट इस पे आके बाइंड ना हो सके। ठीक है, तो ये हमने जाना, H1 एंटागोनिस्ट को हम इनवर्स एगोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर H1 एंटागोनिस्ट जो होती है वो ज्यादातर सेडेटिव होती है, यानी कि कह सकते हो इससे थोड़ा सा वेकफुलनेस आपकी कम हो जाती है और आपको थोड़ा सा सेडेशन हो जाता है, यानी कि नींद टाइप की आने लगती है। ठीक है, और अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमने बताया था, हिस्टामिन जो होता है वो बीटा इमिडाजोल इथाइलामीन का होता है। ठीक है, तो H1 एंटागोनिस्ट भी इसकी कुछ सिमिलर रहती है। H1 एंटागोनिस्ट का केमिकल नेचर बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, बट कुछ ऐसी हैं जो कि इससे काफी हद तक सिमिलर हैं। ठीक है, बट आज के जमाने में H1 एंटागोनिस्ट ज्यादातर उसका यूज नहीं किया जाता है। आजकल मार्केट में नई जनरेशन की आ गई है दवा, न्यू जनरेशन जिसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। ऐसा क्या खास बात है जो कि H1 एंटागोनिस्ट को हमने बंद कर दिया, सेकेंड जनरेशन ले रहे हैं? सेकेंड जनरेशन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सेडेटिव नहीं होती, इससे नींद नहीं आती, इसकी वजह से हम सेकेंड जनरेशन का आजकल
यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एच1 एंटागोनिस्ट की। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। ठीक है, उसकी हम अब आगे जाके बात करते हैं, उसको मैं सिस्टम पे लेकर के जाऊंगा। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की H1 हिस्टामिनिक्स यानी कि H1 एंटी हिस्टामिनिक्स यानी कि H1 हमारा एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली जो भी ड्रग्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जान लेते हैं कि H1 एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी हैं एंड H2 एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव, ये तीन जो हैं ये आपकी H1 एंटागोनिस्ट की ड्रग्स हैं। ठीक है, H1 एंटागोनिस्ट की ड्रग्स हैं और ये फर्स्ट जनरेशन में आती हैं। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स ये भी आपकी फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट हैं और ये सेकेंड जनरेशन में आती हैं, यानी कि ये वाइडली यूज की हैं। ठीक है, ये वाइडली यूज की हैं और इनको ऊपर वाले को हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाईली सेडेटिव। और हाँ, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से एक जीपैट के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हाईली सेडेटिव ड्रग आपकी कौन सी है उसको टिक करिए, मॉडरेटली सेडेटिव की ड्रग कौन सी है उसको टिक करिए, माइल्ड सेडेटिव की कौन सी ड्रग है उसको टिक करिए और सेकंड जनरेशन में कौन सी ड्रग है उसको टिक करिए। ठीक है, कोई भी दे देगा, तीन आपकी कोई ऑड दे देगा और एक आपकी कोई इवन दे देगा कि इवन में मतलब आपकी ये माइल्ड सेडेटिव ड्रग है उसको आपको टिक करना है। तो उसके हिसाब से आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन ये हाईली सेडेटिव में आती हैं। ठीक है, इनका डोजेस एंड रूट भी दे रखा है, प्रिपरेशंस भी दे रखी हैं, उतना आपको नहीं जाना है बट आपको ये नाम याद रखने। ठीक है, मॉडरेटली सेडेटिव, हाईली सेडेटिव मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग नींद जो है आपको कॉज करेंगे, बहुत ज़्यादा नींद आएगी आपको। मॉडरेटली सेडेटिव जो होती हैं वो उससे थोड़ी सी कम नींद कॉज करेगी, जैसे कि फेनरामीन, सिप्रोहेप्टेडीन, मेक्लोजीन एंड सिनराजीन। ठीक है, सिनराजीन जो होती है वो बेसिकली वर्टिगो प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं, वर्टिगो प्रॉब्लम मतलब चक्कर वगैरह आता है आपको तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फेनरामीन भी वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती है, वॉमिटिंग एंड आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सिप्रोहेप्टाडीन जो होती है वो आपको अगर आपको एपेटाइट आपकी बढ़ानी है यानी कि भूख बढ़ानी है तो आप सिप्रोहेप्टाडीन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, माइल्ड सेडेटिव की बात करें तो क्लोरफेनरामीन, डेक्सक्लोरफेनरामीन, ट्रिप्लोरिडीन एंड क्लेमास्टीन ये सारी माइल्ड सेडेटिव है, यानी कि कुछ हद तक थोड़ा सा आपको नशा यानी कि नींद थोड़ी सी आपको आएगी। सेकेंड जनरेशन में बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स की कौन कौन सी ड्रग्स हैं। फेक्सोफेनाडीन, लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन, सेट्रीजीन, लीवोसेट्रीजीन, एजिलास्टीन, मीजोलास्टीन, एबेस्टिडीन, रूपाटिडीन, जिसमें कि आप सेट्रीजीन और लीवोसेट्रीजीन आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है एंड इसको काफ़ी ज़्यादा फिजिशियन इसी को ही मतलब प्रेस्क्राइब करते हैं अगर आपको कफ एंड कोल्ड होता है। एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए हम सेट्रीजीन एंड लीवोसेट्रीजीन देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटी हिस्टामिनिक्स। ठीक है, आगे हम न्यू वीडियोज़ लाएंगे, उसमें हम ब्रॉड स्टडी करेंगे इसके बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही एंड होप कि आपको अच्छा लगा हो। मैं आपको नोट्स इसमें नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।